डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर मुर्दाबाद 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 नेशनल हाईवे अथॉरिटी मुर्दाबाद 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 रोड बनना होगा बनना होगा बनना होगा आरके सिंह मुर्दाबाद 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 अजय सिंह मुर्दाबाद 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 एमएलए करीस पाती मां मुर्दाबाद 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 क्या लगता है आपको, इससे पहले भी कई एहतजाज किए गए हैं, इस बार भी फिर से एहतजाज करने की नौबत आई है, क्या अफेक्ट पड़ेगा और क्या मैसेज इस बार आप एडमिनिस्ट्रेशन को और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को देना चाहेंगे? देखिए, तकरीबन ये रोड बनकर 20 साल हुआ। 2004 में धर्म सिंह जब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने ओपनिंग करे थे इसकी इनाग्रेशन, उन्होंने भी खबर को चले गए। उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मल्लिकार्जुन खड़गे बने, उसके बाद दो बार रहे उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसके बाद उन्होंने भी यहाँ से हार गए। उसके बाद डॉक्टर कमरुल इस्लाम साहब डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर थे, उन्होंने भी खबर को चले गए, इंतकाल हो गया उनका भी। उसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पर शरण प्रकाश पाटिल इंचार्ज मिनिस्टर बने, अब प्रियंक खड़गे इंचार्ज मिनिस्टर बने, उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर उमेश जाधव बने, अब राधा कृष्णा साहब बने हुए हैं, अब प्रियंक खड़गे ये है, और मैडम भी 8 साल से MLA हैं यहाँ पर। ताजमहल बन सकता था अब तक। ये रिंग रोड का, सर्विस रोड का अब काम देखो, पूरे रिंग रोड 20 साल में 100 बार तो भी जो गुलबर्ग का साउथ का जो रिंग रोड एरिया है वहाँ पर गार्डनिंग भी हुई, वहाँ पर लाइट्स भी चेंज हो गए, वहाँ पर फोर लेन रोड है, लेकिन यहाँ पर अभी तक काम नहीं हुआ। ये ऐसा लग रहा है यहाँ पर सिर्फ हमारे को मरने के लिए छोड़ा गया है खड़गे पेट्रोल पंप से। पूरा नॉर्थ का जो एरिया है, ये पूरा एरिया को टोटली नेग्लिजेंसी, MLA मोहतरमा कनीस फातिमा की नेग्लिजेंसी, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर की नेग्लिजेंसी, MP की नेग्लिजेंसी, NHAI की नेग्लिजेंसी, कॉरपोरेशन की नेग्लिजेंसी, टोटल नेग्लिजेंसी है। हम लगातार मेमोरेंडम दिए, यहाँ पर प्रोटेस्ट भी करे, आप भी गवाह है उसके, टीपू चौक पे 1000 प्रोटेस्ट हुए हमारे, कई लोग यहाँ पर जाने गई कई लोगों के एक्सीडेंट की वजह से, लेकिन कोई काम यहाँ पर नहीं हुआ। अगर ये काम नहीं हो, तो हम यहाँ पर क्लियरली कहना है, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी बात, इधर के भी आंधे, बड़े बड़े ट्रक का आंधे, बड़े बड़े लारे आंधे, खड़गे से यहाँ तक इंट्रीज करने नहीं देते, ये पूरा इंट्रीज करने नहीं देते, खाली लोकल के गाड़ियां चली गई, इंट्रीज नहीं होने देंगे। ये NHAI तुम कैसे बने, छक मारने के वास्ते बने, यहाँ पर काम होना चाहिए था। 100 बार बजट आया, खाली लीपा पोती। ये जो इंक्रोचमेंट है, वो इंक्रोचमेंट हटाने का भी कोई काम नहीं, जस्कॉम के जो खंबे है वो हटाने के वास्ते बजट रिलीज हुआ, अभी तक उसके ऊपर काम नहीं। कॉरपोरेशन के पास बजट है पाइपलाइनिंग को सेटिंग करने की, वो भी अभी तक काम नहीं। सब पास हो रहा, सब पेपर में है, काम कहीं को नहीं हो रहा। बोले तो मोहतरमा कनीस फातिमा डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर, KKRDB जो चेयरमैन है जो अजय सिंह, ये पूरे जने की वजह से काम नहीं हो रहा। ये टोटली इन्होंने नेग्लेक्ट कर रहे हैं एरिया को। अगर यहाँ के लोग इनको सबक नहीं सिखाएंगे तो ये काम कभी होने वाला नहीं। आज भी हम एहतजाज कर रहे हैं, आज भी उन्होंने आपको खाली लीपने का और पोतने का बातिज करने वाले हैं, दूसरा कुछ नहीं करते उन्होंने। फिर दूसरे का एक्सीडेंट होता और क्या भी नहीं होता, ये चीज सच्चाई है। ऐसे लोगों को हम जिता कर भेजे हैं कॉरपोरेशन में, MLA में, MP में, जो क्या भी काम के नहीं है, नाहल है पूरा। तो इसके वजह से हम इनकी कड़ी निंदा करते हैं, कंडेम करते हैं, और जो जिसका इंतकाल हुआ, जिसका ये मैं मर्डर मानता हूँ, ये डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन और NHAI की तरफ से ये मर्डर हुआ है, मर्डर। CCTV कैमरे में आप देखेंगे तो जो रोड जो सही इम्बैलेंस नहीं रहने की वजह से, बैलेंस नहीं रहने की वजह से, बैलेंस आउट होने की वजह से ट्रक के अंदर आ गए ना, तो ये मर्डर है, ये डेथ नहीं है, ये मर्डर है। इनको कंपनसेशन मिलना इनके पूरी फैमिली को, और आइंदा ऐसी चीज नहीं होने के वास्ते 24 घंटे के अंदर सर्विस रोड का काम और ये रिंग रोड का काम शुरू होना। अगर ये नहीं होता तो हम इससे भी बड़ा एहतजाज हम लोग करेंगे।